बोलो पेंसिल, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी शादी कैंसिल। ये क्या आपको पता है मेरी जिल्द खूबसूरती? अगर आप जानना चाहते हैं मेरी खूबसूरती का राज तो कीनू भैया, मैंने सुना गूगल पे पढ़ा है, जो कीनू होता है ना वो आपकी जिल्द को खूबसूरत करता है। तो हम अपनी जिल्द को खूबसूरत करने के लिए विटामिन सी कीनू खाते हैं। दूसरी बात, मुझे इस नॉवल से नफरत हो गई है। इतनी बोरिंग नॉवल है, इतनी बोरिंग नॉवल है, इतनी बोरिंग नॉवल है कि मैं एक दफा पढ़ते हुए सो गया था लाइब्रेरी में। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग में पूछा था कि मैं इस कैमरे का, जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैनन M50 का क्या नाम रखूं, क्योंकि मैंने गाड़ी का नाम मारू डिक्रो रखा हुआ है, ड्रोन का नाम शाहीन रखा हुआ है। लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शाहीन से। शाहीन यार, अल्लामा इकबाल ने, मुझे तो भाई शाहीन बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसकी उड़ान शाहीन की तरह ज़मीन को कैप्चर करता है और फिर ऊपर से नज़र आती है हर चीज़, मतलब इट मेक सेंस। खैर, वर मूविंग ऑफ टॉपिक। मैंने पूछा था आप लोगों से कि भाई सजेशन दें मैं अपने इस कैमरे का क्या नाम रखूं, तो कुछ आई है भाई सजेशंस, लेट्स सी। तो भाई एक सजेशन आई है, कमेडियो भाई। आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस, बट इसका मतलब है कैमरा प्लस वीडियो, कमेडियो। सोचते हैं इस नाम का। फिर किसी ने कहा है कि मुस्तफ़ा का यार। वाओ, मुस्तफ़ा का यार, इट मेक सेंस कि ये कैमरा मेरे साथ काफ़ी जगहों पर घूमता रहता है और मेरे साथ हर जगह होता है, लाइक माई यार विच आई डोंट रियली हैव। आई मीन यार तो है मेरे, लेकिन मेरे साथ हर जगह नहीं घूमते, तो दैट एक्चुअली मेक्स सेंस, गुड वन, आई लाइक दैट। ये एक्चुअली अच्छी सजेशन है, सफ़ेद बुलबुल। आई डोंट नो वाई, सफ़ेद मतलब सफ़ेद कैमरा और फिर बुलबुल, बुलबुल काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ बासित भाई, क्योंकि बुलबुल का बच्चा, इंसानियत का बच्चा बनो, तो मतलब आई डोंट नो, लेकिन सोचते हैं क्या नाम रखना है। तो नाम चीता रखो यार, चीता actually sounds pretty dope. हाँकता थोड़ी है कैमरा लेकिन बड़ा ही कोई सीरियस नाम लग रहा है चीता। मुजाहिद, मुजाहिद भी काफ़ी सीरियस लग रहा है भाई, कैमरा है, मुजाहिद तो उससे भी ज़्यादा सीरियस होगा और आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द कैमरा। फिर एक कॉमेंट आया शाहरू, आई डोंट नो वट शाहरू मीन्स, लेकिन कंसिडरेशन में ले लेते हैं। सलाबी और अफलातून, आई हैव नो आइडिया वट सलाबी मीन्स, और अफलातून आई थिंक फिलोसोफर को कहते हैं, कंसिडरेशन में ले लेते हैं। किसी और ने कहा बुलबुल, बुलबुल को हमने ले लिया कंसिडरेशन में। फिर किसी ने सजेशन दिए माहीन, नॉट श्योर इफ आई कॉल माई कैमरा माहीन, मतलब अम्मी मैं माहीन के साथ आज बाहर जा रहा हूँ, क्या सोचेगी अम्मी मेरी। तो ये आई है सजेशन, अभी तक मुझे पता नहीं है मैं क्या नाम रखूँगा, सोचूंगा पूरे दिन में कि क्या नाम रखना चाहिए, आई एम नॉट इवन श्योर वट नेम विल फिट। जिंदगी में पहली दफा इस डब्बे के अंदर से बिस्किट निकले, ओनली द रियल वंस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर से सुई धागे निकलते हैं हमेशा। तो यार ये सारी सजेशंस तो अच्छी थी, लेकिन आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या नाम रखा जाए कैमरे का, पूरे दिन में सोचते हैं फिर डिसाइड करते हैं। Now that was beautiful. तरस गया था यार मैं ड्रोन उड़ाने के लिए, दो हफ्ते हो गए मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया, एक हफ्ते से तो मैंने चार्ज करके रखा हुआ है कि आज उड़ाऊंगा, आज उड़ाऊंगा, आज उड़ाऊंगा। आज फाइनली मौका मिल गया ड्रोन उड़ाने का, पढ़ने के लिए जा रहा था मैं, तो आई थॉट रास्ते में हाईवे एक आता है तो वाई नॉट। इसके अलावा मौसम भी अच्छा हो रहा है भाई और फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगी हुई आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली, सो इट वॉज अ गुड डे टू फ्लाई ड्रोन। आंटी, रोड के बीच में कौन क्रॉस करता है रोड? और लोग पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, यहाँ पे तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी बनी थी, फिर भी लोग रोड के बीच में से क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, अजीब। तो वी आर एक्चुअली हियर एट द कैफे जहाँ पे मैं हमेशा पढ़ने के लिए आता हूँ, ऐसे मुझे कंप्लीट करना है, ऐसे ड्यू है अगले हफ्ते, दो घंटे हैं मेरे पास,
दो घंटे में देखते हैं मैं क्या चीज़ मारता हूँ। Hey, how are you? तो ये है पंच कार्ड्स में, अगर 10 दफ़ा आप यहाँ पे आके खरीदोगे तो ये 10 दफ़ा पंच करेंगे और आफ्टर द 10th टाइम दे गिव यू फ्री ड्रिंक, तो मुफ्त। हाँ भाई, तो वेलकम टू माय स्टूडियो, ओनली द रियल वंस नो दिस इज़ माय स्टूडियो। और जो लोग नए हैं, आई एम श्योर पिछली वीडियो से अब तक कुछ 10-15 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए होंगे, तो जो 10-15 लाख नए लोग हैं उनको पता चल जाना चाहिए कि मेरा नया स्टूडियो है, वेल फर्निश्ड लेदर सीटेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने ये रेंट पर लिया, पहले 6 लाख का था जिससे मैंने रेंट पर लिया ये, तो मैंने कहा भाई नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएशन की तो 10 लाख का हो गया, तो आई थिंक नेगोशिएशन अच्छी रही, तो 10 लाख में हमने ये स्टूडियो लिया, कोशिश करेंगे इसका सही इस्तेमाल करें। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मैंने कैमरे का क्या नाम सोचा है, मैंने काफ़ी नाम सोचे थे, पहले मैंने सोचा था बीस्ट रख देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा बीस्ट थोड़ा फियर्सफुल हो जाएगा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुद सोचो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई बीस्ट आपकी तरफ देख रहा है तो आप मुस्कुराओगे या डरोगे? मतलब सुनने में ही ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है जो आगे खा जाएगी तुम्हें। फिर मैंने सोचा कि इसका नाम पिकाचू रख देता हूँ, क्योंकि भाई बचपन में पोकेमोन बहुत देखता था और ऐश मेरा फेवरेट कैरेक्टर था और उसका साइड किक हुआ करता था पिकाचू, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पिकाचू तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पटाखा अच्छा नाम है क्योंकि छोटे पैक में बड़ा धमाका टाइप चीज़ है ये कैमरा। लेकिन फिर मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया कि बचपन में मैंने एक बेवकूफ़ी की थी, पटाखा अपने हाथ पे रखा था, जला हुआ, पता नहीं क्यों, अजीब पागल था मैं। खैर, मैंने पटाखा जला के अपने हाथ पे रखा, पता नहीं क्या करना चाह रहा था मैं, और वो पटाखा मेरे हाथ पे ही फट गया और 5 दिन तक मेरे कान बज रहे थे। यार थकन बहुत होती है। देन आई केम टू अ डिसीजन कि इसका नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, हाँ रॉबिन, रॉबिन रखा है मैंने इस कैमरे का नाम, क्योंकि ये कैमरा इज़ माय साइड किक, इट इज़ विथ मी एवरीवेयर, इट हैज़ माय बैक, मतलब सीधी सी बात है मेरे साथ हर जगह घूमता है, सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक माय साइड किक। अगर आपको पता नहीं है रॉबिन कौन है, रॉबिन बैटमैन का साइड किक होता है। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज बैटमैन, क्योंकि मैं कोई बैटमैन का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, कि वो बंदा बड़ा डिप्रेसिंग है यार, लेकिन रॉबिन अपना ही छोकरा है, तो आज से हमने इसका नाम रॉबिन रख दिया, सही है, केस क्लोज, डिसीजन हैज बीन मेड। बाकी टेंशन नहीं लेने का भाई, आप मस्त पढ़ाई वढ़ाई करो, चाय पानी अपन संभालेगा, कोई भी काम हो भाई को फ़ोन करने का। वो मुन्ना भाई इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। खुदा हाफिज़। क्या नाम है इस बिस्किट का? ओरिजिनल गोरमे, इसका नाम होना चाहिए था ओरिजिनल सुई धागा। मैजिक, प्योर मैजिक, आई एम सीरियस। हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है, टू होल्ड ओपन द डोर फॉर समवन। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो लेट्स से कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी बिल्डिंग में जा रहे हो और आपके पीछे भी कोई आ रहा है, तो अपने लिए दरवाज़ा खोलने के साथ साथ यू कैन होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन हु इज़ वॉकिंग बिहाइंड यू एज वेल, समझे, मतलब इट्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, सो व्हाई नॉट। एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम, एंड या दैट्स अबाउट इट। खुदा हाफिज़।